हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु से धीरेंद्र सिन्हा। आज आए हैं हम न्यू राष्ट्रीय अपार्टमेंट सेक्टर 18 और 6 फ्लैट एक फ्लोर पे हैं और काफ़ी मेंटेन सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर मंदिर है, वाइट कलर का पेंट किया गया है पूरी सोसाइटी, बहुत ही मेंटेन है। बेसमेंट पार्किंग है और 2 टावर है और ये 4 बेडरूम का फ्लैट है। हम एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही हमारा ये स्पेस बस निकलता है, न्यू राष्ट्रीय अपार्टमेंट सेक्टर 18। हम 6 फ्लोर पर हैं और 6 फ्लोर पे ये सिंगल फ्लैट है। लिफ्ट से निकलते ही लेफ्ट में ये आपका फ्लैट है और एंट्री करते ही लेफ्ट हाथ में हमारा ये पहला बाथरूम है। बाथरूम का साइज आप देख सकते हैं एंड राइट हाथ में 1st बेडरूम है। हमने लाइट नहीं जलाया, नेचुरल लाइट इसे दिखेगा कि आपको लाइट कितना आता है। ये आपका साइज है। एंट्री के बाद भी स्पेस निकलता है। अब हम आगे ड्राइंग डाइनिंग। न्यू राष्ट्रीय अपार्टमेंट है, मेंटेन की बात करें बहुत ही मेंटेन है। 18 सेक्टर, 19 सेक्टर, 12 सेक्टर सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। यहाँ पर बैंकर्स हॉस्पिटल है, यहाँ पर कई स्कूल हैं और मार्केट है, सुपर मार्केट है और इसके जस्ट अपोजिट 12 का मेट्रो भी आपका पास पड़ेगा। तो ये एल शेप का ड्राइंग डाइनिंग है, आप देख सकते कितना बड़ा है। ये देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से आपका ये ड्राइंग डाइनिंग का लंबाई हो गया और ऐसे में यहाँ पे ड्राइंग का साइज देखिए। सामने काफ़ी बड़ा विंडो है और ये देखिए बहुत ही बड़ा ड्राइंग डाइनिंग है। कितने भी बड़े सोफा सेट लगा लो आपका ये सिंगल, ये देखिए ड्राइंग है। कहीं भी कोई टूट फूट नहीं है, वेल मेंटेन। जैसी सोसाइटी मेंटेन है वैसा ये फ्लैट मेंटेन है। सिंपल फ्लैट है, सेमी फर्निश फ्लैट है और ये आपका डाइनिंग है। ये देख सकते हैं ये आपका डाइनिंग एरिया है एंड यहाँ पे किचन हो गया। और माता और बहनों के देखो किचन का साइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए होता है और उनके लिए किचन देखिए साइज 2 से 3 लेडीज बड़े आराम से काम कर सकते हैं मेरा मानना है। ये किचन का साइज है। सामने विंडो है, गैस पाइपलाइन आई हुई है, चिमनी लगा हुआ है, पुराना काम है, सेमी मॉडलर किचन है। काफ़ी अच्छा साइज है, किचन का भी साइज अच्छा है, ड्राइंग डाइनिंग का बहुत ही प्यारा साइज है, बहुत ही प्यारा साइज है ड्राइंग डाइनिंग का। यहाँ पे आपका डबल डोर का फ्रिज लगेगा और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ ये ड्राइंग डाइनिंग। ये देखिए और ये फ्रीजर घूम जाता है तो आपका ये ड्राइंग होता है। सामने काफ़ी बड़ा विंडो है और नेचुरल रोशनी पूरी आ रही है एंड 2nd बेडरूम। ये हमारा 2nd बेडरूम है। एंट्री करते ही हमारा साम लेफ्ट हाथ में विंडो है, लेफ्ट में विंडो है जो कल को फ्यूचर में एक्सटेंशन होता है तो यहीं पे आपका एक्सटेंशन होगा एफएयर। सामने कवर्ड बना हुआ है एंड इसका साइज आपको दिखा दूं। यहाँ पे हम खड़े हैं और ये रूम का साइज है। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर होता है कि आप 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हो तो रूम का साइज कैसा है, फ्लैट कैसी है, सोसाइटी कैसा मेंटेन है, ये सारी चीज़ देखना चाहिए। ये आपका बाथरूम है और बाथरूम का साइज काफ़ी अच्छा। मैंने बताया कि हमने बिजली ऑन नहीं किया है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं किया है, हम नेचुरल लाइट आज दिखाना चाहते हैं। कहीं भी सीलन नहीं है, देख सकते हैं नीचे भी कहीं भी सीलन नहीं, कहीं भी टूट फूट नहीं। अटैच बाथरूम था, 2nd बेडरूम था, नीचे भी स्टोरेज उन्होंने काफ़ी अच्छा दे रखा है। हम आगे फिर ड्राइंग डाइनिंग में और इसके साथ ही इसकी सबसे बड़ी बालकनी जो 1st बालकनी है ये देखते हैं। ये आपका बालकनी का साइज देखिए, साइज बहुत ही अच्छा है। और सामने आपका ये वेंकर्स हॉस्पिटल है, बिल्कुल सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी वो वेंकर है। नीचे आपका ये सोसाइटी का बाहर पार्क है और मॉर्निंग की प्रॉपर धूप आएगी, धूप वाला फ्लैट है। और सामने वेंकर्स हॉस्पिटल है, कई सारे स्कूल है, वो 12 का सोसाइटी आ गया तो रोड क्रॉस करते ही 12 का मेट्रो स्टेशन है। काफ़ी बड़ा रूम साइज है। एंड हम 3rd बेडरूम में चल रहे, ये हमारा 3rd बेडरूम है। और बेडरूम की एंट्री करते ही
ये रूम आ गई और इसमें भी हमारा अटैच बाथरूम अटैच बालकनी है, ये देखिए। और ये रूम का साइज है, अटैच बाथरूम है, ये हमारा तीसरा बाथरूम है जो दोनों बेडरूम को कनेक्ट करती है, कॉमन है। फोर बेडरूम का फ्लैट है और तीसरा बाथरूम, तीन बाथरूम है और इसके साथ भी बालकनी, रनिंग बालकनी है, काफ़ी अच्छी साइज़ है, देखते। काफ़ी अच्छा साइज़ है इसका भी। और सामने आपका ये सोसाइटी है, इधर देख सकते हैं सामने वेंकटेश हॉस्पिटल है, रोड के उस पार बाड़ा का मेट्रो आ जाता है, बाड़ा मेट्रो है, सामने पार्क है और काफ़ी अच्छी साइज़ है इस बालकनी का भी। ये हमारा तीसरा बेडरूम था एंड अब हम चल रहे हैं फोर्थ बेडरूम पे। दोस्तों ड्राइंग डाइनिंग सही में बहुत ही साइज अच्छा है। ये हमारा चौथा बेडरूम है, ये देखिए साइज दिखाता हूँ। हर बार की तरह मैं फ्लैट का साइज दिखाना जरूरी होता है, आप पैसे लगा रहे हो तो साइज देखना बनता है। और ये आपका तीसरी बालकनी है, ये भी इसके साथ भी बालकनी अटैच है, यानी एक रूम छोड़ के हर रूम के साथ बालकनी है, ड्राइंग डाइनिंग के साथ बालकनी है। न्यू राष्ट्रीय अपार्टमेंट है, बहुत ही मेंटेन सोसाइटी है, बेसमेंट पार्किंग है, मंदिर है, क्लब हाउस है, पार्क बहुत ही मेंटेन है, बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है। और बाहर निकलते ही आपका पार्क है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, स्कूल है, बाड़ा का मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस है। न्यू राष्ट्रीय अपार्टमेंट फोर बेडरूम का सेमी फर्निश्ड फ्लैट का मात्र छठा फ्लोर है और सिंगल फ्लैट है, लिफ्ट से निकलते ही सामने कोई फ्लैट नहीं है, लिफ्ट से निकलते ही आपका फ्लैट आ जाता है। और ड्राइंग डाइनिंग बहुत ही अमेजिंग साइज है। और दोस्तों इसके साइज, प्राइस, लोकेशन, एवरीथिंग डिटेल आपको बताएंगे। प्राइस इसका बहुत ही अच्छा प्राइस है, 2 करोड़ 95 लाख, 2 करोड़ 95 लाख है दोस्तों, चिंता वाली बात नहीं है, नेगोशिएबल है। प्रॉपर इतनी अच्छी मेंटेन की सोसाइटी है, आपको बहुत ही प्यारी मेंटेन सोसाइटी है और मंदिर, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल, मार्केट सब क्लोज में है। और बिग साइज का फ्लैट है, तीन तीन बड़ी बालकनी है, धूप वाला फ्लैट है, नेचुरल रोशनी भरपूर है। न्यू राष्ट्रीय अपार्टमेंट्स छठा फ्लोर है, 611 नंबर है फ्लैट नंबर, आपके लिए सिर्फ लेके आए हैं जी। और प्राइस की चिंता ना कीजिए, कम कराना हमारा काम है, विजिट कराना हमारा काम है। आप फ्लैट तो देखिए, बजट कम हो जाएगा, हम आपका बजट मीटिंग में कम कराएंगे। आप पहले फ्लैट पसंद कीजिए, बाकी काम तो हम पे आप छोड़ दीजिए। बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुल मिला के अभी के अभी जाके, तुरंत जाके सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि आपके लिए मेहनत करता हूँ तो एक मोटिवेशनल के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।